नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस की हलचलों पर दोस्तों इस वक्त पूरे देश का ध्यान लगा हुआ है। जो मीडिया कांग्रेस को स्पेस देने में पिछले कई सालों से कतराता रहा है, लेकिन अब उसे भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मची हुई जो गहमा गहमी है, उसके कारण कांग्रेस की बात करनी पड़ रही है। यानी मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि कांग्रेस में इस वक्त ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। अब तक इस पद के लिए अशोक गहलोत का पलड़ा भारी माना जा रहा था, जो राजस्थान के सीएम हैं और अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की अघोषित पसंद भी हैं। लेकिन अशोक गहलोत के नाम पर इस वक्त राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। कल राजस्थान के कई विधायकों ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी विधानसभा अध्यक्ष से, और ये विधायक गहलोत कैंप के हैं और नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने। कांग्रेस के कद्दावर नेता और सचिन पायलट के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे आलाकमान की तरफ से पायलट को सीएम बनाने का कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन उनके खेमे के उत्साही समर्थकों ने सचिन पायलट के पोस्टर जगह जगह लगाकर नए युग के आगमन की घोषणा कर दी। ये तब पोस्टर्स आप अगर जाएंगे जयपुर और राजस्थान के कई अलग जगहों पे, तो वहाँ आप देखेंगे। 2 साल पहले भी सचिन पायलट ने बगावती तेवर दिखाने का गलत फैसला लिया था, जिसके कारण उनका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम का पद यानी दोनों चला गया था। अब सचिन एक बार फिर उतावले हो रहे हैं, जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए शायद ठीक नहीं है। हालांकि कांग्रेस विरोधी कॉरपोरेट मीडिया फिर भी सचिन के लिए जमकर बैटिंग कर रहा है। इधर अशोक गहलोत भी नहीं चाहते हैं कि सचिन सीएम बने, और न ही वो खुद अभी इस पद को छोड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां मामला अशोक गहलोत बनाम कांग्रेस आलाकमान का बनाया जा रहा है कि क्या सोनिया गांधी अशोक गहलोत के दबाव में आएंगी, जो अपने समर्थक विधायकों के जरिए उन्होंने बनवाया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि गहलोत ने अब तक गांधी परिवार का वफादार बनकर ही अपनी भूमिका निभाई है और अपनी सरकार को भी बखूबी संभालने का उन्होंने काम किया है। वैसे राजस्थान में अशोक गहलोत वाला खेमा जिस तरह के कदम उठा रहा है, उससे भी कांग्रेस की एकजुटता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रताप खाचरियावास और एस धारीवाल ने अजय माकन से मुलाकात की और 3 मांगें रखी हैं। अजय माकन गए थे, आप जानते हैं, और दूसरे खड़गे साहब गए हुए थे इन दोनों के सामने। और पहली मांग उनमें से, जो 3 मांग है उनमें से पहली मांग है कि 19 अक्टूबर को जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का रिजल्ट आएगा, उसके बाद यानी अध्यक्ष चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री चुना जाए राजस्थान का, और प्रस्ताव को इसके बाद ही अमल में लाया जाए। दूसरी शर्त यह है कि गहलोत खेमा विधायक दल की बैठक में आने के बजाय अलग अलग समूहों में आना चाहता है। और तीसरी शर्त यह थी कि नया सीएम उन 102 विधायकों में से चुना जाना चाहिए जो गहलोत के प्रति वफादार हैं, न कि सचिन पायलट के प्रति। सवाल यह है कि इस तरह की शर्तें रखने के लिए विधायक खुद आगे आ रहे हैं या उन्हें कोई उकसावा मिल रहा है, और क्या यह सीधे सीधे सोनिया गांधी की सत्ता को चुनौती नहीं है। वैसे सोनिया गांधी के लिए ऐसी चुनौतियां कोई नई बात नहीं है। जब से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और उसकी कमान संभाली, तब से उन्हें सोनिया गांधी को कई बार कई दिग्गज नेताओं से ऐसी चुनौतियां मिलती रही हैं, और हर बार सोनिया गांधी ने बगावत करने वालों को उनका सही स्थान दिखला दिया है। तो क्या इस बार भी सोनिया गांधी के हाथ में ही रहेगी कांग्रेस की कमान, ये जो कमान चल रही जिसकी जरूरत है उसकी बात कर रहा हूं मैं, और फिर से उन्हीं को निकालना पड़ेगा कोई नया रास्ता, ये देखना होगा। और जिस तरह मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया था, आप याद कीजिए, क्या वैसा ही कोई अप्रत्याशित फैसला लेंगी सोनिया गांधी, खासकर अध्यक्ष पद को लेकर के? क्या एक बार फिर कांग्रेस के भीतर और बाहर अपने विरोधियों को मात देंगी सोनिया गांधी? कई सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों पर चर्चा करेंगे। और कांग्रेस में जो घमासान है, उस घमासान से क्या फिर सोनिया के हाथ में कमान की जो बात चल रही है, ये अध्यक्ष पद के कमान की बात नहीं कर रहा हूं, ये अभी जो कमान है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है आने वाले 30 सितंबर, आज 26 है और 4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। 28 तारीख को पहले से घोषित है कि अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे अध्यक्ष पद के लिए। क्या अशोक गहलोत उस पर टिके हुए हैं, डिगे हुए हैं? क्या नामांकन अशोक गहलोत करेंगे, उम्मीदवारी अपनी पेश करेंगे अध्यक्ष पद के लिए, या कोई और नाम आएगा? तो बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब अगर आप ढूंढना चाहेंगे
तो 10 जनपद की तरफ आपको देखना पड़ेगा उत्तर दिल्ली में, यानी सोनिया गांधी के आवास की तरफ देखना पड़ेगा। उधर राहुल गांधी जबरदस्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और व्यस्त हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी पूरी नज़रें जो हैं वो टिकी हुई हैं इधर ही। आज दिन भर पदयात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ज़्यादातर टेलीफोन पर बिजी रहे, मोबाइल फ़ोन पर बिजी रहे, और कहा जा रहा है कि दिल्ली से, राजस्थान से बार बार उनके पास फ़ोन कॉल्स आते रहे। इधर सोनिया गांधी कमान संभाली हुई हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस घमासान पर कब विराम लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, ये समझने की कोशिश। सोनिया गांधी के रोल और उसके अलावा राहुल गांधी, और क्या एक बार फिर से राहुल गांधी के अध्यक्ष या गांधी परिवार से किसी के अध्यक्ष बनने की चर्चा भी आगे आ सकती है क्या? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों के साथ सीधे हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए सबसे परिचय करवाता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत करता हूं राकेश डॉक्टर साहब। और साथ में सीधे जयपुर से जुड़ी हुई हैं वरिष्ठ पत्रकार वर्षा बंबानी मिर्ज़ा। वर्षा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और चूंकि आप राजस्थान से जुड़ी हुई हैं तो पल पल की रिपोर्ट आपके पास है, और बहुत सुखद है कि अभी आप हैं हमारे साथ में। चर्चा को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी आपकी बातें। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत करता हूं। इधर दिल्ली से 2 हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ साथी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ बने हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरेंद्र उपाध्याय जी, आप 5 का स्वागत है। और साथ में स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। घमासान है कांग्रेस में, लेकिन चर्चा कांग्रेस की मीडिया के हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आखिर हो भी क्यों नहीं। चलिए, नाम बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, कुछ ऐसा ही कहते हैं वर्षा जी। लेकिन क्या उधर किसकी बदनामी हो रही है? गहलोत की, सचिन पायलट की, या आला कमान की? अनम्यूट कर लीजिए, शायद अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, आपने पूछा बदनामी किसकी है। मुझे लग रहा है सब रेस लगा रहे हैं कौन ज्यादा बदनाम होना चाह रहा है। अब देखिए, सबकी इनसिक्योरिटीज बोल रही हैं यहाँ पे राजीव जी, सबकी असुरक्षाएं हैं वो दिख रही हैं। अशोक गहलोत इसलिए असुरक्षित हैं कि उनका जो है, उन्हें लग रहा था कि वो सीएम पद पर हैं और उनका जो है वो अध्यक्ष बनाया जाना कोई शोर नहीं है। हो सकता था कि वे हारें, हो सकता था कि वो जीतें। उससे पहले ही उनसे इस्तीफे की मांग करना, मुझे लग रहा था कि अशोक गहलोत से